आज शाम को पार्टी में आप ये घुंघरू पहन के नाचेंगे। आपकी ना बेटी से डील हुई थी हमारी, आज रात 9 बजे कुंद्रा मेंशन में आपकी बेटी का नाचने का प्रोग्राम है। अभी भी वक्त है, अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। ड्रामा आपने शुरू किया था और खत्म मैं करूंगी। बेटा बप्पा, आज तो आपने मुझे बाल बाल बचा लिया। अगर राजवीर को मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे अपनी जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। राजवीर की जिंदगी में तो लड़कियों की कमी नहीं है और मुझे उससे अच्छा कोई मिलने से रहा। मैं उन फूलों की तरह नहीं हूं जिसे भंवरों का साथ सिर्फ कुछ समय के लिए मिलता है और फिर वो भंवरा किसी और फूल के पास चला जाता है। मैं तो राजवीर को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हूं। एक्सक्यूज मी, अगर मैं इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूं तो मुझे आज कुछ ऐसा करना होगा कि मैं यहां हमेशा के लिए टिक जाऊं। किधर? महफिल तो यहां सजी है। मिस्टर कुंद्रा, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आप जीत गए मिस्टर कुंद्रा। मैं अपनी गवाही वापस लेने के लिए तैयार। पक्का? नहीं, मेरा मतलब है कि वो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। नहीं, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूं आपने डिसीजन लिया तो। और मेरे ताऊ जी भी तो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो। आप मेरा एक काम कर दीजिए, इन पेपर्स पे आप साइन कर दीजिए। और हाँ, पेन भी है मेरे पास। ये क्या है? कुछ नहीं, कानूनी कागज है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप अपनी गवाही वापस ले रहे हैं। आपका एक साइन और सब कुछ सेट। आपके साइन करने के बाद आप इस केस की चश्मदीद गवाह रहेंगी नहीं और मेरे पर लगे हुए सारे इल्जाम खत्म। आप भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी, आप भी आजाद और मैं भी। पकड़िए। Thank you.
को मत छोड़ना बेटे। साई की इस हालत का बदलाव से जरूर लेना। यह मास्टर नहीं समझती क्या अपने आपको? आसनी कहाँ भागे जा रही हो? मिस्टर कुंद्रा प्लीज प्लीज मुझे इस महफिल में नाचने के लिए मजबूर मत करिए प्लीज। ये सपना पेपर फाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। नाचना तो तुझे पड़ेगा। चुपचाप नीचे चल, लोग तेरी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दे। और सुनिए, इज्जत से हाथ में हाथ डालिए वरना घसीट के नीचे ले जाना भी आता है मुझे। जिसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाया था उसी के साथ यहाँ रह रही है और अभी इतने प्यार से हाथों में हाथ डालकर नीचे भी आ रही है। ये चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुंद्रा की न्यू ईयर पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? और आज की पार्टी को यादगार बनाएंगी मेरी ये डांस मास्टर। ये तेरी डांस टीचर है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड और मेरी। इतने भी बुरे दिन नहीं आए विन कुंद्रा के। अरे गुरु है मेरे, इन्होंने पहले मुझे अपने इशारों पर नचाया था और आज इनके नाचने की बारी। तो अब समझ में आया, हमारी प्यारी ताई लोगों के महफिलों में नाच नाच कर इतने सारे पैसे घर लाती है। अभी भी वक्त है मास्टर नी, अभी भी मान जाओ। ये सब करने से पहले रोक लो मुझे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरी मास्टर नी जी का, जिनका नाम है मिस्टर कुंद्रा। नाम में क्या रखा है? मुझे मेरा काम करने दीजिए। क्या बात है, ये हो ना बात मास्टर नी जी। और डीजे वाले मेरा वाला गाना चला ना, तो हो जाए धमाल। इट्स शो टाइम। मास्टर जी, मैंने कहा इट्स शो टाइम। चेहरा क्यों छुपा रखा है अपना? अपनी प्यारी सी सूरत सबको दिखाइए ना। अब मैं करूं तो क्या करूं?
मुझे यकीन नहीं हो रहा है मास्टरनी, आपको यहाँ इस महफिल में नाचना मंजूर है, सबकी जिल्लत उठाना मंजूर है, लेकिन अपनी वो कंप्लेंट वापस लेना मंजूर नहीं। बस एक बार ताई अपना घूंघट उठाएगी तो ये सारे नौटंकी मैं अपने फोन में रिकॉर्ड कर लूंगी और फिर दिखाऊंगी आई बाबा को उनकी आदर्श बेटी के कारनामे। काके सिद्धू मास्टर तो खेल गई। वो क्या नारी, अभी तक चांद बादलों में छुपा हुआ था और अब वक्त आ गया है बादलों से चांद को बाहर निकालने का। अब क्या करने का इरादा? सिद्धू मास्टर ने अपना मुंह छुपा के बहुत दम दिखा दिया, अब वक्त आ गया है पूरी महफिल के सामने इनका चेहरा दिखाने का। क्या मास्टरनी, आप भी ना, एक तो मेरी महफिल में आई हैं नाचने के लिए, वो भी अपना मुंह छुपा के, ये तो गलत बात है। अपना घूंघट उठाइए ना, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मेरी गुरु है कौन। वाह मास्टरनी, आपने तो कमाल कर दिया। बस एक बात बताओ, इरादा क्या आपका? आई आई का फोन। जानो, तुम्हारा ध्यान तो मेरी तरफ होना चाहिए पर तुम्हारा पूरा ध्यान तो सिद्धू मास्टर की तरफ है। हाँ, now let's go. एक मिनट रुको ना। क्या बोलते मास्टर? पब्लिक डिमांड पे किस हो जाए? बकवास बंद कीजिए अपनी। हेलो अद्वैत, कहाँ है तू? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? तो क्या हुआ आई, बाबा ठीक तो है ना? अद्वैत बाबा ठीक है, तू मुझे ये बता तू इस वक्त कहाँ है? आई वो मैं बैंड्रा में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा सुन, मैं तुझे अभी एक एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, तू मुझे आधे घंटे में वहीं मिल। आई आधे घंटे में कैसे, मैंने कहा ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तेरी ताई की जान खतरे में और तुझे पढ़ाई की पड़ी है? ताई की जान खतरे में क्यों, क्या हुआ? कुंद्रा मेंशन? ये भगवान, ये एड्रेस तो इसी घर का है, यानी यही विन कुंद्रा का घर है और सिद्धि ताई भी यही कही है। ताई तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, अगर हाई ने मुझे देख लिया तो। सॉरी मैम। अब इसी की कमी थी, मुझे तो ये कुंद्रा की पार्टी कम और जोशी की रीयूनियन पार्टी ज्यादा लग रही। अगर अद्वैत ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे बने बनाए खेल की वाट है वाट। तेरा ध्यान किधर है?
सॉरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी मैडम। एक तो गलती करता है और ऊपर से जबान चलाता है। गेट आउट, आई से गेट आउट, निकल यहां से। ओ माशनी, कहां? पिक्चर तो अभी बाकी है। मैनेजर जी, आप कैसे कैसे लोगों को काम पे रखते हो? दिस इज कुंद्रास पार्टी, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। सॉरी सर, वो मैं, इट्स नॉट अबाउट सॉरी। आज के बाद ये वेटर कुंद्रास के किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं देना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके सर। बेबी चले। आई एम रियली सॉरी सर। सर सर, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैडम। निकल यहाँ से, चुपचाप निकल जा। मास्टर नहीं, अभी भी वक्त है, मान जाओ। क्यों इतना जलील हो रही हो? बस एक दस्तखत, उसके बाद तुम हमेशा के लिए आजाद। चाहो तो 3-4 लाख और ले लो ऊपर से। मैंने सोचा ही नहीं था कि बात यहां तक जाएगी। लग रहा था कि इतना जलील होने के बाद वो मास्टर ने अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए राजी हो जाएगी, हार मान जाएगी। लेकिन ये है कि हार मानने को राजी नहीं है। बस इस बात की तो दाद देनी होगी, बंदे में दम तो बहुत है। तुझे नहीं लग रहा है हैरी, ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया? मुझे क्या कह रहा है, सब कुछ तेरा किया धराई तो है। सिद्धू मास्टर, इस भरी महफिल में इतना बेइज्जत हो रही है, ये इतना काफी नहीं है? जो तू चाहता है कि सिद्धू मास्टर के माँ बाप भी आए और ये नजारा देखें। वो क्या है ना हरी, मेरे साथ इन्होंने जो कुछ भी किया, एक बार मैं भूल भी जाऊं और इसे माफी कर दूं, लेकिन इस मास्टरनी के कारण मेरे माँ पापा जी को जिल्लतों का सामना करना पड़ा, मुसीबतें उठानी पड़ी, और इस सब के लिए मैं इसे माफ नहीं कर सकता। तू भी जानता है हैरी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी इस मास्टर ने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट की, मेरे घर वालों को परेशान किया, और इस सब के लिए इस मास्टरनी को मैं छोड़ूंगा नहीं। सजा तो इसे मिल के रहेगी। अरे काके, क्या काके, छोड़ना ये सब, पुरानी बातें हैं। अरे वो सब छोड़, ये बता कि तुस मास्टरनी के घर पे फूल और पैसे दे के आया था कि नहीं? हाँ भाई। जब दे के आया था तो मेरा नाम लिखा था कि नहीं? हाँ भाई, कार्ड पे तेरा नाम और तेरा पता सब लिखा था। उसके माँ बाप अभी तक आए क्यों नहीं? मैं क्या बताऊँ क्यों नहीं आए?